के आया रे, एक बैग रात में हेल गया घर में, आके आराम मारे लगा। ये सब बच्चा सब डर से उन्हें लुक गया, और उसका बाद में मार पीट किया और बेहोश हो गई तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ख़त्म हो गई। इतना हुआ कि हम लोग खा पी रहे थे, 9:30 के अंजाद हो रहा था। एक बैग 10 आदमी 12 आदमी आए लोग, एक बैग मार पीट स्टार्ट हुआ। हम लोग तो अलग घर में रहते हैं, वो अलग घर में रहते हैं। राजधानी में दबंगों का इतना वर्चस्व बढ़ गया है कि आए दिन किसी न किसी को दबाने और मारने की कवायद जारी रहती है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि यह एक परिवार है जहां पर दबंगों के द्वारा इनके जो पुतोह थी उसकी पहले तो मार करके हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिसके क्रम में उसके हॉस्पिटलाइज के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों आपकी जो पुतोह थी उसे मारा गया था? पुतोह के आया रे, एक बैग रात में हेल गया घर में, आके आराम मारे लगा। ये सब बच्चा सब डर से उन्हें लुक गया, और उसका बाद में मार पीट किया और बेहोश हो गई तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ख़त्म हो गई। कौन लोग थे? हरदेव था, कमलेश था, नीरज था और रजनीश था, विजय था, फिर या विनोद था और सुभाष था, शैलेश था, ये सब मिल करके 10-12 गो था, सब मिल करके उसको मार पीट किया। लड़ाई किस कारण से हुई थी? लड़ाई कुछ नहीं है, वो पहले ही से हमको बेटा के उस दमंगर आदमी है, इसलिए हम लोग के दबाव डाल रहा है। किस चीज़ का दबाव? ऐसे ही मतलब लंगटाई है, आ करके कोई के मार दे। 4-5 आदमी के हम बताएंगे, कोर्ट से कागज निकाल के रखे हुए हैं, कागज में देखिए। आपकी पुतोह के द्वारा उन पर जब हमला हुआ था तो हमले के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल से FIR करवाया था। हाँ, वो FIR करवाता है वैसा ही, थाना पुलिस गए, थाना के सब कोई के कहे, कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। थाना भी इस पर सुनने से? हम सगरों गए, SP DSP हैं, सगरों गए, कहीं नहीं हमको सुनवाई हुआ, तो गरीब आदमी के कौन सुनवाई करता है। क्या नाम था आपका पुतोह? शोभा देवी। आप देख रहे हैं इन मासूम बच्चे को, चेहरे को जरा देखें कि इनकी माँ की मृत्यु के हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं, जिसके बावजूद यह बच्चे जो हैं बिलखते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी तस्वीरों में आप इनके चेहरों को देख सकते हैं, जो आंसू इनके चेहरे से टपक रहे हैं। आखिर यह दबंग जो राजधानी में मनचले और दबंगों के द्वारा इनकी पुतोह पर अत्याचार किया गया और उसे मारा पीटा गया, अभी तक जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा किसी भी इस घटना पर कोई भी कार्रवाई करने से पीछे हटी है। इतना हुआ कि हम लोग खा पी रहे थे, 9:30 के अंजाद हो रहा था। एक बैग 10 आदमी 12 आदमी आए लोग, एक बैग मार पीट स्टार्ट हुआ। हम लोग तो अलग घर में रहते हैं, वो अलग घर में रहते हैं, बेटी पुतोह, इसलिए वो लोग आया, मारपीट करने लगा, चिल्लाया। हम लोग गए तालुक तो लोग भाग चुके। कितने की संख्या में? 10-12 आदमी के संख्या में। किसको पहचानते हैं? जिसमें पहचानते हैं कमलेश राय, थी हरदेव राय और सुजीत राय और अरे नम्मे तो हम सबके भूल जाते हैं। अच्छा, काफी अज्ञात लोग अज्ञात थे। फिर क्या हुआ था मारपीट के बाद? क्या मारपीट के बाद? इसको बाद में हम खबर दिए भाई के घर पर आके कि ऐसा ऐसा कांड है, इन लोग गए बुल्लू डायमंड में जाके भर्ती उर्ती कराए, बेहोश हो गए। आपकी पुतोह को मारा इतना बुरी तरीके से गया कि उसको हॉस्पिटलाइज जी। उस समय आप लोग थाना को सूचना दिए थे? थाना के सूचना दिए तो थाना कोई सुनवाई नहीं की। जब मारपीट हुई थी उस समय बोल रहे हैं? उस समय नहीं, बाद में बिहने के गए, एक दो घंटा एक दो घंटा के बाद वाइफ गया तो उसको सुनवाई नहीं किया। शोभा देवी के द्वारा वहाँ FIR भी दर्ज करवाया गया था कि कौन कौन लोग हमारे साथ मारपीट। जी जी। फिर उनकी मौत कब हुई थी? मौत हो गई आपको 4-5-6 के हम वही 5-6 रोज रखे थे हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान भी उनकी मृत्यु हो गई? जी।
मतलब कि जिस समय मारपीट हुई थी उस समय इलाज आप करवाने के लिए अस्पताल भर्ती करवाए? लोकल में ही हम थोड़ा सा दिखा लिए थे जी, जी। इसलिए थोड़ा सा शांति हो चुका था जी। फिर हम ब्लू डायमंड में ले गए तो वहीं उनकी मौत हो गई। क्या लगता है आप लोगों को मारपीट के दौरान? मारपीट के दौरान में जो मारे ने जो बेहोश हुए जो फिर उठे नहीं, डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक से मौत जी नहीं, हार्ट से नहीं हुआ, मारे से हार्ट अटैक कर गया और पहले से कोई बीमारी नहीं। FIR दर्ज हुआ है उसमें कई लोगों को नामजद बनाया गया, किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी नहीं, अभी तक के कोई सुनवाई नहीं है। आपकी पुत्रों को 3 महीना मृत्यु की हो चुकी है लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी तक के कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग यही करते हैं कि जो मेरा साथ गलती की है उसको भी आप लोग गलती को स्वीकार कराइए या सजा मिलना चाहिए। जैसे मेरा बेटा जेल में है तो उसको भी चाहिए जेल। थाने का क्या रवैया है इस पूरे? थाने का रवैया है रुपया पर दौड़ रहा है। आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है? कोई सपोर्ट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश राय बैरिया। आखिर देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती नजर आती है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज।